दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद किशोर, आप देख रहे देसी खेती यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज फिर से मोहित भाई के खेत पर आया हूं और दोस्तों यहां से मैंने आपको वीडियो दिया था मल्चिंग, ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर के बारे में। तो दोस्तों वो तो कंप्लीट हो चुका है, जिस जहां हमने अफीम लगाई थी दोस्तों इसके अंदर मल्चिंग के अंदर, वो भी अब ग्रो हो चुकी है, वो आपको दिखाएंगे। और लहसुन दोस्तों हमारा काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। और आप पीछे जो आप नेट हाउस देख रहे हैं दोस्तों, उसमें हम इस समय खीरा लगा रहे हैं, मल्चिंग हमने लगा दी है, अभी छेद का काम चल रहा है, उसमें हम एक जुगाड़ लगा रहे हैं, वो भी आपको अंदर से दिखाएंगे और पूरा खेत आपको घुमाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह है मोहित भाई का हाईटेक मतलब फार्म है, जहाँ पर ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फसलें एक साथ कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको डायरेक्शन दे देता हूँ, मतलब कि ये तो एक अफीम है और ये मल्चिंग के अंदर है और वो बाहर साइड में है, मतलब सारी बेड पर है। और दोस्तों उस साइड है लहसुन है, इस साइड इनका गेहूं है और उस टाइप मतलब उस साइड में इनका नेट हाउस है और थोड़ा उधर उनका घास फूस भी है पशु के लिए, क्योंकि ये पशुपालन भी करते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। ज़्यादा पशु नहीं लेकिन काफ़ी अच्छे पशु है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अफीम के बारे में। तो दोस्तों जो अफीम के पौधे हैं वो अब लगभग मतलब बीज है, पौधे तो क्या है, तो ग्रो हो चुके हैं, लगभग अभी तीन तीन चार चार पत्ते के हो रहे हैं। तो आप जो छेद देख रहे हैं दोस्तों, इसमें हर एक छेद में केवल एक पौधा रहने वाला है। तो दोस्तों अफीम काफ़ी ज़्यादा अभी उग गई है, तो सारी हट जाएगी और जब फाइनल पौधे बच जाएंगे दोस्तों, तो उस टाइम भी मैं आपको एक वीडियो ज़रूर दूंगा। उस टाइम मतलब खेत काफ़ी अच्छा लगेगा और अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों जो आप छेद देख रहे हैं, इसमें मतलब कि चार पौधे एक बेड पर एक लाइन में रहेंगे लगभग, और ये हमारा फर्स्ट ट्रायल है, तो क्या रिजल्ट आता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको, दूसरी जगह पर एक किसान भाई ने मतलब कि पिछले साल अफीम लगाई थी मल्चिंग के अंदर, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। तो इस साल मोहित भी ट्राई कर रहा है कि कैसा रहता है रिज़ल्ट, और इन्होंने इसलिए काफ़ी कम एरिया में मतलब मल्चिंग लगाई है, मतलब कि इनका मतलब कि 10-10 आरी मतलब क्या बोलते हैं 1000 स्क्वायर मीटर के दो लाइसेंस है यहाँ पर, तो इसमें 500 स्क्वायर मीटर में केवल मल्चिंग लगाई है। और दोस्तों ये रहा हमारा लहसुन जो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुका है। और दोस्तों ये भी हमने बेड पर लगाया था, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया भी था कि हम यहाँ पर बेड बना रहे हैं, बेड का जुगाड़ भी मैंने आपको बताया था कि आप कल्टीवेटर से बना सकते हैं। और उसके बाद लहसुन की आप जो चुपाई है वो देख सकते हैं, धुरी काफ़ी मतलब ज़्यादा ही रखी है हमने, क्योंकि जिससे कि एक कंद काफ़ी अच्छे से बने। ये देखिए आप इस तरह चुपाई हुई हाथ से, तो लाइन तो उतनी प्रॉपर नहीं दिखेगी और काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुका है, ये देखिए। और बहुत कम लहसुन अभी बाकी है जो ग्रो होना बाकी है, बाकी लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, उग चुका है। और दोस्तों इसमें हमने पेंडा मेथिलिन जो होती है ना, मतलब सूखे में जो खरपतवार नाशी अपन छिड़कते हैं, वो छिड़क दी थी, तो उतना नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारा सोयाबीन है सरसों है वो ज़रूर उगता है। और दोस्तों ये रही हमारी ओपन में जो है अफीम है, तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, तो इसको उखाड़नी पड़ेगी। तो इसमें यह भी है कि कहीं बीमारी आ जाए जड़ में उड़ में, तो इसलिए किसान भाई ज़्यादा बीज लगाते हैं और बाद में फिर उसको खुदाई में निकाल देते हैं। तो ये तो क्योंकि फिर दोबारा तो बो नहीं सकते, और ये टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर ज़्यादा आप देखेंगे ना, तो जिस साइड में धूप ज़्यादा होती है, मतलब कि ये साइड में धूप ज़्यादा होती है, मतलब सनलाइट इधर से इधर आती है, तो इस साइड काफ़ी कम ग्रो होती है और इस साइड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए बीज ज़्यादा डालते हैं ताकि इस साइड कुछ ग्रो हो जाए। बाकी दो तीन बार खुदाई होगी तो बाकी की निकल जाएगी। आप इधर देख सकते हैं, एक साइड कम है एक साइड ज़्यादा है, तो ये होता है। और ये लहसुन दोस्तों हमारा लगभग 1.5 एकड़ में है, मतलब 1.5 बीघे में है, मतलब कि 3000 स्क्वायर मीटर में ये लहसुन है, जो हमने इसमें बीज लगाया था लगभग 1 क्विंटल 40 किलो, जो कि ये आ चुका है 1.5 एकड़ में। तो इसका प्रोडक्शन मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि पिछले साल एक ट्रायल हो चुका है इसका, तो इस साल हमने थोड़ा ज़्यादा लगाया है। और इसके बारे में मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन पहले दे ही दिया था, माइक्रो स्प्रिंकलर ड्रिप के बारे में और मल्चिंग के बारे में, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं इस नेट हाउस के अंदर, तो दोस्तों इसमें भी आप थोड़ा देख सकते हैं मल्चिंग लगा चुके हैं। तो दोस्तों उसका गेट उस साइड है, तो हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने ज्वार लगा रखी है और ये इनका कुआं है,
अभी तो पानी का लेवल काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं ये देखिए, और यही इनका रहना है, इनका खेत यही है, मक्का अभी निकालना ही है। और दोस्तों यहाँ पर पशु के लिए चारा है, जो होती है ना अपने वो मक्खन ग्रास, वो लगा रखी है यहाँ पर, और देख सकते हैं बेड के बीच में इसी दूरी नज़र आ रही है, ताकि जब अपन निकालेंगे ना तो टायर इसके अंदर चले जाएंगे, तो क्या है कि फसल को नुकसान नहीं होगा, मतलब कंद ख़राब नहीं होंगे, इसलिए इतनी दूरी है ये नाली के बीच में, अब देख सकते हैं ये। और दोस्तों अगर आप इस थोड़ा लहसुन अगेती लगा रहे हैं तो इसमें लाइन में आप मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, ताकि वो पहले निकल जाएगा और वापस ये नाली आपकी खाली हो जाएगी, जब टाइम मतलब जिस समय आप लहसुन निकालेंगे तो यहाँ पर टायर चला जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है लहसुन इस बार, तो अपन चलते हैं अब अंदर। और यहाँ पर दोस्तों अभी मल्चिंग में छेद करने का काम चल रहा है, तो आग लग रही है, देखिए यह है खेर की लकड़ी, जिसमें इसके अंगारे काफ़ी मतलब कि मजबूत होते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। और ये डिब्बे का जुगाड़ है, जो मैंने इसका वीडियो आपको बता रखा है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यह रही गाड़ी, और ये हमारी ज्वार है, और उधर पशु है, पहले पशु दिखा देता हूँ, और उसके बाद अपन इस नेट हाउस के अंदर चलेंगे, जहाँ पर काम चल रहा है अंदर। तो यह है मोहित भाई ने अभी इस साल ही थोड़े 3 पशु खरीदे हैं, भैंसे हैं 2 तो, और एक गाय है, और ये इनकी कुटी मशीन है, ये बछड़े हैं, और पंखे लगा रखे हैं। वो दोस्तों ये पंखा हमने जो प्याज स्टोरेज में लगाया था वो एग्जॉस्ट फैन यहाँ लगा दिया है, और उसका भी वीडियो दोस्तों आप ज़रूर देखे हैं, प्याज का आप देसी भंडारण कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उसमें भी टिक जाएगा आपका। तो अब चलते हैं अपन अंदर। तो दोस्तों नेट हाउस के बारे में एक वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, आपने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी दोस्तों, ये हमने काफ़ी सस्ते में बनाया है, तो वो भी आपको देना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है हमारी मल्चिंग, अभी लगा चुके हैं, छेद का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत छेद कर दिया है भाई ने, ये देखिए इस साइड, तो इसमें अभी खीरा लगा रहे हैं। और दोस्तों इसमें मल्चिंग है ये 1 मीटर वाली है, और कुछ उधर साइड जो है वो 1.25 मीटर की है, तो वैसे 1.25 मीटर की मल्चिंग ठीक रहती है, और इसमें 2 लाइनें में खीरा लगने वाला है, मतलब 1 एकड़ में 4000 पौधे चाहिए मिनिमम, आप 5 भी लगा सकते हैं। तो उधर वो छेद कर रहे हैं भाई, देखते हैं अपन, इसमें इतना सपोर्ट देना नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें अंदर हवा इतनी चलती नहीं है, तो पॉलीथीन उड़ेगी नहीं वैसे, तो जुगाड़ तो अपना वही है जो हमने वीडियो में बताया था पिछले, आपको काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी फास्ट होते हैं। और ये मतलब कि नफ्ती के लिए जितनी अपने को रखनी है, एक वायर है ये आगे, तो उससे क्या कि वो निशान बन जाता है आगे का, तो उसके सेंटर में अपन रख देते हैं। तो इस तरह क्या है कि अभी थोड़ी ओस है अंदर साइड में से, भाप बन रही है, सुबह का टाइम है तो उतना क्लीन छेद हो नहीं पा रहे, तो ये आप केवल दिखाने के लिए है। तो और बाकी दोस्तों इसमें मल्चिंग तो लगा दी है, केवल थोड़ा क्या कि हमने सपोर्ट कम दिया है तो सपोर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, और उस साइड अभी बीज डालने लग गए हैं। तो और आगे आपको अपडेट मिलती रहेगी इसके बारे में, और इसका एक वीडियो आपको मिलेगा कि नेट हाउस किस तरह आप लगवाएं, और ये डूम शेप में है, तो नेट हाउस के बारे में कंप्लीट वीडियो होगा वो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, और मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन काफ़ी शुभ रहे।